गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ क्लास 11th चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर। तो हमने लिक्विड स्टेट शुरू की थी। तो वेपर प्रेशर जो है इसमें क्या है कि एक वेपर पे प्रेशर कितना है उसे हम वेपर प्रेशर बोलेंगे। तो एक सब्सटेंस जो होता है वोलेटाइल तभी होता है जब उसमें फोर्सेज बहुत वीक हों, मतलब कि कोई भी सब्सटेंस वोलेटाइल हम उसी को बोल सकते हैं जो हम इजिली इवेपोरेट हो जाए, उसे हम वोलेटाइल बोलते हैं। जैसे हम इथर हाथ में रखते हैं तो एक इजिली वो क्या करता है, वेपर बन जाता है हमारी हाथ की गर्मी से, तो हम बोलेंगे वोलेटाइल है। मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर देने से कोई चीज़ अगर वेपर में चेंज हो जाए उसे हम बोलेंगे वोलेटाइल। तो अगर हमारे पास वोलेटाइल लिक्विड है या मॉलिक्यूल है तो वो इवेपोरेट करेगा, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है काफ़ी वीक है मॉलिक्यूल्स के बीच में। अगर हमने कंटेनर बंद रखा हुआ है तो वेपर जो होंगे वो बनेंगे तो वो वापस क्या करेंगे, नीचे बैठते जाएंगे। तो दो प्रोसेस जो हैं काम में आ रही हैं, एक तरफ इवेपोरेशन हो रही है, एक तरफ कंडेंसेशन हो रही है कंटेनर में, क्योंकि कंटेनर बंद है नहीं तो क्या होगा, सिर्फ इवेपोरेशन होती है। एक स्टेज आएगा जब इवेपोरेशन इक्वल हो जाएगी कंडेंसेशन के, जितनी इवेपोरेशन हो रही उतने ही कंडेंसेशन मॉलिक्यूल्स होने शुरू हो जाएंगे। तो जो प्रेशर जो एक्सर्ट होगा वेपर से वेपर पे, तो इवेपोरेशन के इक्वल इवेपोरेशन जो होगी उतनी ही कंडेंसेशन होगी, उसे हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। जो एक वेपर पे प्रेशर बन जाएगा, वेपर बनने का फिर वापस लिक्विड बनेगा, उसे हम वेपर प्रेशर बोलेंगे। अब इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैनोमीटर से। अब कौन कौन से फैक्टर जो इसको अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर, एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, बॉइलिंग पॉइंट, हायर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड और नेचर ऑफ द लिक्विड। तो फर्स्ट टेम्परेचर, तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतने वेपर ज़्यादा बनेंगे, तो इसलिए वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। तो वेपर प्रेशर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू होगा टेम्परेचर। तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे ही वेपर प्रेशर काइंड मॉलिक्यूल्स जो होगी उनकी काइंड एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो उनकी टेंडेंसी होगी वो एक्सेप करें लिक्विड से और ऊपर आ जाएं वेपर बन के। तो वैसे ही क्या होगा, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतने वेपर्स बनेंगे और जितने वेपर्स बनेंगे उतने टेम्परेचर हाई होता जाएगा। नेक्स्ट है एडिशनल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वो है जब हम किसी चीज़ में ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, उसके वेपर बनने कम हो जाएंगे। तो अगर हम ऐड करेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू वोलेटाइल लिक्विड, एक वोलेटाइल लिक्विड में, तो इसकी जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएंगे। तो वेपर प्रेशर जो इसका क्या हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से कम हो जाएंगे। तो जैसे हम पानी में चीनी ऐड कर दें तो चीनी उसको वेपर बनने ही देगी, तो उसका जो वेपर प्रेशर काफ़ी कम हो जाएगा। द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर गवर्न बाय लॉ नॉस बेबोस ला, तो ये एक लॉ भी है जो बताता है कितना कम होता है वेपर प्रेशर अगर हम उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। तो जितना ज़्यादा हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना उसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो सब्सटेंस का हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें मॉलिक्यूल के बीच में होगी। अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई है, मतलब वो नॉन वोलेटाइल है, तो उस वहाँ से लिक्विड वेपर बनना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब इसका क्या मतलब होगा, वेपर प्रेशर जो होगा वो घटता जाएगा किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, बॉइलिंग पॉइंट से। तो जितना वेपर प्रेशर, जितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा उतना ही वेपर प्रेशर क्या है, कम है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द लिक्विड। तो वेपर प्रेशर लिक्विड का वो इन्फ्लुएंस होता है कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीच में मॉलिक्यूल्स के है। तो जितनी मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतनी क्या होगी, उसमें वेपर प्रेशर कम होगा, और जितनी उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी उतनी वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ये अलग अलग जो लिक्विड है उनकी अलग अलग क्या होती है, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो इथाइल अल्कोहल जो होता है उसमें उसका भी प्रेशर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इथाइल अल्कोहल में वीक होती है और वाटर में स्ट्रॉन्ग होंगी। तो ये एक लिक्विड पर भी डिपेंड करता है कि उसमें वेपर प्रेशर कम होगा या ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है या ज़्यादा है। तो जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उसमें वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर बन नहीं पाएंगे, और जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी वो इजिली वेपर बन जाएंगे, तो वहाँ वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा।